ओके सो हेलो रोहन, दिस इज तनेगर एंड वेलकम बैक टू चैनल। और अभी ना एक बार मुझे है ना पहले फेविक क्विक लेनी है, बिकॉज ये मेरे जो गोप्रो का माउंट है वो हिल रहा है और मुझे चांस नहीं लेना है गिरने जाए रास्ते में। तो पहले फेविक क्विक लेते हैं फिर बात करते हैं। फेविक्विक ओके लगा दी फेविक्विक और अंगुलियों पर भी लग गई मेरे। चलो कैमरा एंगल सही है, लेट्स चेक। कैमरा एंगल भी सही है। चलो तो आज का जो वीडियो है उसमें अपने पास सिर्फ बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी तो मेरे को एक काम है वैसे तो, बट उससे पहले मुझे एनफील्ड जाना है, मतलब सर्विस सेंटर। इसका बुश कवर अगर आ गया हो तो पूछ लेते, बुश कवर लगवा लेते हैं वो बाकी था, क्योंकि जो बुश कवर है इसका वो गिर गया था पता नहीं कहाँ पर। तो अभी टेप लगा के मैंने क्लासिक का चिपका रखा है, देख लेते अगर हिमालयन का आ गया है तो पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज़ है मुझे इसको हॉर्न चेंज कराना है यार। ये देखो नो डाउट लाउड है, अच्छा है हॉर्न मतलब, बट मुझे इसका जो साउंड है वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो जो क्लासिक का हॉर्न आता है मतलब एक और एक्स्ट्रा हॉर्न लगता है इसमें, ये शायद लो वाला है या हाई टोन वाला है पता नहीं मेरे को, बट जो भी दूसरा इसका है साथी लो टोन या हाई टोन वाला वो लगवा लेते हैं चल के। और साथ ही साथ मैं देख रहा था जो मेरे माइलेज वाला वीडियो है उसके अंदर लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हमको हमारी हिमालयन में इतना माइलेज मिल रहा है या फिर किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा माइलेज डलवा रहे हैं और स्पीड वाला पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो यार नो डाउट हो सकता है कि आपके जो एक्स्ट्रा माइलेज डलाने से या फिर स्पीड वाला पेट्रोल डलवाने से आपको माइलेज अच्छा मिले, बट माइलेज अच्छा मिलने का रीज़न आपकी बाइक चलाना भी होता है और आपकी बाइक को मेंटेन करना भी होता है। मेरे को एट प्रेजेंट ये अभी 27 से 30 के बीच का दे रही थी माइलेज। मेरे चलाने का तरीका नॉर्मल है, मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, तमीज़ से चलाता हूँ मतलब। और काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं हो चलाने का तरीका क्या होना चाहिए आपके बाइक का ताकि आपको अच्छा माइलेज मिले। तो भैया छोटा छोटा ऊपर ऊपरी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका जो फर्स्ट गियर होता है ना उसमें जब आप उठाते हो ना गाड़ी को तो आप खींच के मत उठाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक प्रॉपर गियर रेशियो में गाड़ी को चलाओ। प्रॉपर गियर रेशियो का मतलब ये है कि आप लो गियर में हाई आरपीएम पे मत चलाओ। जैसे अभी मेरी गाड़ी फिफ्थ में है, मैं चल रहा हूँ 40 के आसपास, तो मैं 2000 आरपीएम पे हूँ। अभी इसको मैं कम करके फोर्थ में कर दूँगा ना तो मैं 2500 आरपीएम के आसपास पे चला जाऊँगा 40 की स्पीड में, ठीक है। तो अगर मुझे 40 की स्पीड मेंटेन करनी है तो मैं फिफ्थ में भी चला सकता हूँ। तो कम शब्दों में लो गियर में हाई आरपीएम पे मत चलाओ, ठीक है। और गाड़ी का जो गियर चेंजिंग रेशियो है प्रॉपर रखो, खींच के गियर चेंज मत करो, ठीक है। आप यहाँ पे कोई ट्रैक तो कर नहीं रहे हो, रोड पे गाड़ी चला रहे हो। जैसे मैं आपको हिमालयन का बता देता हूँ कि 2 से 3 हज़ार आरपीएम के आसपास में गियर मेरे हिमालयन में चेंज हो जाता है, मतलब स्वीट स्पॉट है इसका, ठीक है। ऑल्दो ये खींचती 5-6 हज़ार आरपीएम तक है, बट 2000 में 2500 में चेंज हो रहा है मेरा गियर प्यार से, तो मैं क्यों नहीं करूँ, है ना। तो वैसे ही आपका जो बाइक का स्वीट स्पॉट है गियर चेंज करने का, उस टाइम पे आप गियर चेंज कर लो, आपको माइलेज ऑटोमेटिकली अच्छा मिल जाएगा। छोड़ो यार, कल परसों देख लूँगा कौन जाएगा अभी अंदर यार। अभी ये क्या है कि एनफील्ड में आप अंदर जाओ पार्ट लो, पार्ट लोगे ना उतने में बिलिंग में इतना टाइम लगाते हैं ये लोग, क्या बताऊँ। तो छोड़ो कल परसों चलेंगे, गियर की तो बात हो गई। अगली बात करें अपन, आप फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग मत करो, ठीक है। हार्ड ब्रेकिंग और फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग मत करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं चलानी, बस इसी की बात कर रहा था मैं, समझ गए। वो देखो ये देखो बार बार ब्रेक मार रहे हैं भाई साहब। ये देखो सारा एग्जांपल तो मेरा आज इसने दे ही दिया है, वो देखो। तो बस ऐसे नहीं चलानी आपको, है ना। ये जो बंदा जा रहा था ना अभी वो फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग कर रहा था। इन शॉर्ट आप रेस ड्राइविंग नहीं करोगे तमीज से चलाओगे तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, ठीक है।
एनफील्ड वाले ये रहे श्री बालाजी, इनके पास मिल जाएगा ऑन, पूछ लेते हैं। कैसे हो राजू जी? हॉर्न लगाना है, हॉर्न। हाँ, वो हाई टोन है या लो टोन है, कौन सा है इसका दूसरा वाला? किसकी वायरिंग की? नहीं नहीं यार, वो तो चल ही कहाँ रहा है, चार्जर ही। चार्जर तो खराब है, वो करो लाइट आई तो नहीं, लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ हाँ सही बात है। तो मेरे पास क्या बोल्ट का चार्जर लगा हुआ था गाड़ी में, ये देखो पड़ा था मेरे पास पहले से, एवेंजर में लगा हुआ था, वो मैं निकाल के इसमें लगाया तो बेसिकली काम नहीं कर रहा था। जयपुर राइड में मैंने लगवाया था तो मुझे लगा शायद वायरिंग की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट फिर पता पड़ा चार्जर ही ख़राब हो गया अपने आप ही। Later that same evening. Okay, so मुझे यहाँ लग गया एक घंटे से ऊपर, बिकॉज इनके पास फ़ोन तो था बट गाड़ी इतनी गर्म थी ना यार कि इन्होंने मना ही कर दिया कि भैया रुक के जाओ, ऐसे तो हम हमारा हाथ जला देंगे। तो इस चक्कर में टाइम लग गया। अभी एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और बाहर निकले हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं यार, थोड़ा चाय वाय पी के घर पे चलते हैं। पहले मैं कौन सुना देता हूँ, देखो अभी सही हुआ ना, तो पहले दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ यार। Later that night. ओके, तो उस टाइम मैंने एकदम से ब्लॉगिंग इसलिए बंद करी और अभी लेट इसलिए चालू कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम जब मैं वहाँ से निकला ना हॉर्न लगवा के, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी रोड के ऊपर और मेरा बेसिकली ध्यान रोड पे जा रहा था ना कि ब्लॉक पे, तो बहुत सारे कट्स लगाने पड़ते मेरे को क्योंकि बात करते करते बीच में रुक रहा था और वो कट्स अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा जब रात को घर पर जाऊँगा तो रास्ता भी एकदम लंबा होगा और खाली होगा तो उस टाइम अपन बात कर लेंगे। तो अपन बात कर रहे थे माइलेज के ऊपर, तो मैंने आपको कुछ चलाने के तरीके बताए थे, ठीक है? तो अगर वो चलाने के तरीके आप यूज़ करते हो और फिर भी आपका माइलेज नहीं बढ़ रहा है बाइक का, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, आप गाड़ी को ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? मतलब आपको कुछ पॉइंट्स पता नहीं होंगे तो शायद उस वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब कुछ बाइक मेंटेनिंग टिप्स की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि टायर प्रेशर। अगर आपके बाइक के टायर में हवा कम है तो इंजन को बहुत ज़ोर पड़ेगा, इंजन पे स्ट्रेस आएगा तो आपको माइलेज कम मिलेगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट है आपकी चेन, ठीक है? अगर आप चेन को परफेक्ट टेंशन में नहीं रखते हो, अगर आपकी चेन या तो बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो भी आपको माइलेज कम मिलेगा। तो जो आपकी चेन है उसको आपको एक राइट टेंशन में रखना है, ना तो ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए ना टाइट होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है? और हर 500 किलोमीटर पर आपको ल्यूब करनी है साफ़ करके, ठीक है? ये दो टिप हो गई। तीसरी टिप ये है कि आपको जो एयर फिल्टर है वो आपको चेक कर लेना चाहिए हर कुछ टाइम बाद, या जब सर्विस पे जाओ, जब सर्विस में वैसे तो चेक करते हैं बट फिर भी आप बोल दो अपनी तरफ से, ठीक है, कि एयर फिल्टर देख ले, वो चेक कर ले। अगर आपका एयर फिल्टर क्लॉक्ड है, ख़राब है, जमा हुआ है तो आपको अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ की मैं एकदम डीप में नहीं जाऊँगा, बस ऊपरा ऊपरी आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका एयर फिल्टर क्लॉक्ड है ना तो एयर नहीं जाएगी, ठीक है, बाइक में, और बिना एयर के फ्यूल नहीं चलता है। तो अगर पेट्रोल नहीं जलेगा तो कार्बन इकट्ठा होगा कंबस्टन चेंबर में। अब इस चीज़ के मैं डीप में नहीं जाऊँगा बट मोटा मोटी तौर पर ये बात है कि आप अपना जो एयर फिल्टर है वो चेक करा लो और साफ़ हो तो ही गाड़ी चलाओ, ठीक है? अब एयर फिल्टर अगर आप चेक करा रहे हो तो साथ ही साथ स्पार्क प्लग पर भी ध्यान दे दो। अगर आपका स्पार्क प्लग बिल्कुल साफ़ है अगर, तो इसका मतलब आपके कंबस्टन चेंबर में बहुत ज़्यादा एयर जाए, तो इस केस में क्या होता है आपका जो इंजन है वो भी सीज हो सकता है, ठीक है? और अगर साफ़ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी के अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा जम रहा है, पेट्रोल टैंक से जल नहीं पा रहा है। दोनों ही केस में आपको माइलेज भी कम मिलेगा और आपके इंजन के लिए ख़राब भी है, तो दोनों ही केस, ठीक है? तो हवा की बात हो गई, चेन की बात हो गई, स्पार्क प्लग की बात हो गई, एयर फिल्टर की बात हो गई। तो ये सब करने के बाद भी अगर आपको अपने बाइक में माइलेज नहीं मिल रहा है तो लास्ट चीज़ ये हो सकती है कि जो आपकी बाइक है वो शायद कार्बोरेटेड हो, ठीक है? तो आपका जो कार्बोरेटर है ना उसको भी आप चेक करना, उसकी जो ट्यूनिंग होती है वो मोस्टली क्या होती है, सेट नहीं होती बाइक्स में, क्योंकि बाहर वाले मैकेनिक भी छेड़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद से छेड़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी में जाना है, ठीक है, एक अच्छा मैकेनिक पकड़ लो जो वो ट्यूनिंग सेट करके देना कार्बोरेटर की,
उसी ट्यूनिंग पे गाड़ी चलाओ, ठीक है। और एक बार सेट होने के बाद आपको बार बार नहीं चढ़ानी है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है आपका। और जिनकी बाइक्स में ड्रम ब्रेक्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं जब उनके ब्रेक पैड्स घस जाते हैं ना, तो वो ब्रेक्स को टाइट करा लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपके अगर ब्रेक पैड्स घस चुके हैं तो ब्रेक्स को टाइट मत करो, क्योंकि ड्रम घिसता है, समझ रहे हो। और अगर ड्रम घिस रहा है ना, तो मतलब इंजन पे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इससे आपके ड्रम्स भी ख़राब हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको माइलेज भी नहीं मिल रहा है। ये सारे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और है जो बहुत बेसिक ही है, आपको जो इंजन ऑयल है ना, वो आपको अच्छी क्वालिटी का डालना है अपनी गाड़ी में, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको ये चेक करना है कि आपका इंजन ऑयल जो है वो गाढ़ा तो नहीं पड़ चुका है, ख़राब तो नहीं हो चुका है, वो ये सब चीज़ें चेक कर लेना। बेसिक पॉइंट है ये तो, ठीक है, जो आई होप आप लोग चेक भी करते होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप फॉलो कर लो ना, बहुत बेसिक और बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लो ना, तो आपको 110% अच्छा माइलेज अपनी बाइक में मिलेगा। और प्लस ये आपकी जो बाइक है ना, वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। मैं ये सारे पॉइंट्स फॉलो करता हूँ और टच वुड मेरे को एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक में। इतने सालों से मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, बड़ी टच वुड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होता है व्लॉग, तो बातें बातें हो जाती है उसके अंदर। तो फिर भी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन भी समझ में आई होगी जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।